का क्षेत्र तबाह है ही, लेकिन किसानों का खेत भी तबाह है। आप अपना साधन दीजिए, हम लोग अपना जमीन दिलवाएंगे। और अब बाजार क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बाजार क्षेत्र तबाह है ही, लेकिन किसानों का खेत भी तबाह है। आप अपना साधन दीजिए, हम लोग अपना जमीन दिलवाएंगे। और ताजपुर जलमग्न दो, ताजपुर वीडियो सीओ पीओ जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजपुर पीओ होश में आओ, होश में। आप लोग किस मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज ताजपुर पीओ कार्यालय पर छह ग्रामस और मजदूर सभा के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे बिहार सहित ताजपुर ब्लॉक के अंदर पशु शेड में आले पैमाने पर गड़बड़ी है। पशु शेड वैसे लोगों को दिया गया है जिनको पशु पालने से का कोई लेना देना नहीं है, वैसे लोगों को पशु शेड नहीं दिया गया है जो लोग अभी सही माने में गाय पालते हैं, जो किसान हैं। हमारा मांग है कि पशु शेड वैसे लोगों को दिया जाए जो लोग पशु गाय पालते हैं, जानवर पालते हैं, किसान हैं। आले पैमाने पर इसमें गड़बड़ी है, जिसमें तमाम लोगों ने के यहाँ पर ये बात आई है कि एक एक पंचायत में 300-300 लोगों को दिया गया है पशु शेड, और बिना बनाए हुए पशु शेड दे दिया गया है, और लोग पैसा लेकर के मकान बनाने का काम किए हैं, वहीं सही लोगों को ये इसका लाभ नहीं मिला है। दूसरी बात कि मनरेगा योजना में आले पैमाने पर हमने इसलिए लूट कहा है कि पहले भी हम लोगों ने पांडे पोखर को लेकर के 9 लाख, जिस जमाने में पिछले साल नवंबर महीना में लपालप पोखर भरा हुआ था, उस पोखर से 9 लाख रुपए की निकासी की गई थी उड़ाही के नाम पर। जब हम लोग ब्लॉक पर बैठते हैं उस मांग को लेकर, तो वहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, आला अधिकारी के कहने पर हम लोग पर FIR दर्ज करते हैं। लेकिन हम तमाम पदाधिकारी को बता देना चाहते हैं कि हम लोग भाकपा माले के लोग हैं, लाल झंडे के सिपाही हैं, हम लोग FIR लाठी गोली से डरने वाले नहीं हैं। अभी पशु सेट का उच्च स्तरीय जाँच किया जाए, मनरेगा PO जा करके खुद पंचायत में जांच करे, और तब पता लगेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तमाम जो पर भ्रष्टाचार है मनरेगा में, आप देखिएगा कि हर पंचायत में मजदूर के जगह पर JCB का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम मनरेगा के माध्यम से गरीब तबके के लोगों को, मजदूर को हम मजदूरी देने का काम करेंगे, 100 दिन का रोजगार की गारंटी करने का काम करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर पंचायत में तमाम मुखिया या तमाम प्रतिनिधियों के द्वारा JCB या ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सारा यहाँ के PO हो या मनरेगा कर्मी की जानकारी में होता है। इसलिए हम तमाम लोगों को और खास करके PO साहब को कह देना चाहते हैं कि जब भी हम लोग धरना प्रदर्शन देने आते हैं तो मनरेगा PO जो है ताला बंद करके फिरार हो जाते हैं। तो हम माले के लोग हैं, और जब हम लोग यहाँ पर पूरे मजबूती से और मुस्तैदी से हम आपको आज चेतावनी देने आए थे, आएंगे तो इसी प्रांगण में, इसी कार्यालय के प्रांगण में हम लोग बैठ करके 8 दिन 10 दिन अनशन करने का काम करेंगे, और जब तक जो जांच करके दोषियों पर कार्रवाई नहीं होता है, सही लाभुकों को जो गाय पालते हैं उसको सेट नहीं दिया जाता है, जब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। और दूसरी बात कि यहीं पर बगल में आप तमाम लोग देख रहे हैं कि नगर परिषद ऑफिस भी खुल रहा है, नगर परिषद का ऑफिस भी है, और ताजपुर, पूरे ताजपुर में बाढ़ जैसी स्थिति है। ताजपुर के अंदर पूरा हर रोड में चले जाइए, चाहे वो दरगाह रोड हो, नीम चौक का रोड हो, थाना रोड हो।